चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक व्यूवर से जिनके तरफ से ये कमेंट पोस्ट किया गया है कि क्या किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद वो वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर नहीं होता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, वो इस बात को जानते होंगे कि जिस वीडियो को लेकर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है उस वीडियो को यूट्यूब जो है डिलीट कर देता है। लेकिन डिलीट करने के बाद YouTube जो है क्रिएटर्स को एक वहां पे ऑप्शन देता है, आप चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि YouTube के द्वारा लिया गया वो डिसीजन जो है गलत है, या फिर जो व्यक्ति जो है आपके चैनल पे स्ट्राइक डाले हुआ है वो गलत तरीके से जो है स्ट्राइक डाले हुआ है, आप उसका कंटेंट इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, तो फिर YouTube टीम के पास जो है आप मैसेज अपना छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज छोड़ते हैं YouTube टीम क्या करती है, वहां पे आपके चैनल को रिव्यू में डालती है और वहां पे फिर से आपके वीडियो को मैनुअली जो है चेक किया जाता है। ध्यान रखिए, जब आप वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं तो YouTube का कोई व्यक्ति जो है आपके वीडियो को जाकर वहां पे चेक करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि क्या जिस क्रिएटर के तरफ से आपके YouTube चैनल पे स्ट्राइक डाला गया है क्या सच में आप उसका कंटेंट जो है इस्तेमाल किए हैं या फिर नहीं किए हैं। अगर YouTube टीम को लगता है कि आप उस व्यक्ति का कंटेंट इस्तेमाल किए हुए हैं तो फिर वो स्ट्राइक जो है रिमूव नहीं होता है और न तो आपके वीडियो को YouTube जो है वहां से वापस करता है। लेकिन अगर YouTube को लग जाएगा कि उस क्रिएटर्स की तरफ से जो है गलत तरीके से आपके चैनल पे स्ट्राइक डाला गया है और आपके वीडियो को जो है जानबूझकर वहां पे डिलीट करवाया गया है, तो उस स्थिति में YouTube जो है अपनी गलती को मानते हुए आपके वीडियो को वहां पे रिकवरी भी कर देता है और साथ ही साथ जो वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया होता है उस स्ट्राइक को भी वहां से हटा देता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ 2% ही केसेस में होता है। अगर 100% यानी कि 100 व्यक्ति के चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक डालता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके चैनल से स्ट्राइक जो है YouTube वहां पे हटाता है और उसके वीडियो को जो है रिकवर कर देता है। बाकी 98% लोगों के पास आप देखेंगे कि न तो उनका वीडियो जो है रिकवर होता है और न ही उनके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो हटाया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके YouTube चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो 90 दिनों के अंदर वो स्ट्राइक ऑटोमेटिक आपके चैनल से हट जाता है। और जो YouTube का रूल और रेगुलेशन है कि अगर 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर 2 स्ट्राइक आ रहा है और उसके बाद फिर 90 दिनों के बाद 1 स्ट्राइक आता है तो उस स्थिति में आपका चैनल जो है डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि स्ट्राइक जो है 90 दिनों में ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाता है। तो अगर आपके YouTube चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ और आपका वीडियो जो है डिलीट हो गया है तो बिल्कुल ये 100% ये फैक्ट है कि जिस भी यूट्यूबर के YouTube चैनल पे स्ट्राइक आता है तो जिस वीडियो पे स्ट्राइक डाला जाता है वो वीडियो भी डिलीट हो जाता है और साथ ही साथ आपके चैनल डैशबोर्ड पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी एक्टिव हो जाता है।